शुभ दोपहर प्यारे बच्चों, नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से आज की इस ऑनलाइन प्रणाली तासिका में मैं आप सबका पुनः सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा सातवीं के लिए हिंदी विषय में कल हमने कविता पहली देखी थी, उसमें से कुछ पद्यांश हमने देखे थे। बच्चों, आशा करती हूँ आप सब लोग अपने साथ अपनी पाठ्य पुस्तिका तथा अभ्यास पुस्तिका दोनों लेकर बैठे होंगे। जैसे कि पिछली तासिका में अपने आपको जो कठिन शब्द आते हैं उनको अधोरेखांकित करके उनके उत्तर या उनके अर्थ आपने लिख के लिए थे, आज भी आपको वैसे ही करना है कि जो भी कठिन शब्दार्थ होंगे उनके अर्थ उनके सामने पेंसिल से अधोरेखांकित करके आपको लिख कर लेने होंगे। पद्यांश की ओर आगे बढ़ने से पहले हम पुनः अध्ययन करेंगे। पुनः अध्ययन यानी कि पिछली तासिका में हमने इस कविता में से क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक एक, जो एक कविता है जिसका नाम था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसे देखा था। इस कविता के जो रचयिता है यानी कि इस कविता के जो कवि हैं वह है शिव मंगल सिंह सुमन जी। कविता में हमने यह देखा था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पद्यांश में आए कठिन शब्दार्थ हमने देखे थे जो इस प्रकार से थे, पंछी अर्थात पक्षी, उन्मुक्त अर्थात आजाद, गगन अर्थात आसमान, पिंजर बद्ध अर्थात पिंजरे में बंद, कनक अर्थात स्वर्ण या सोने की, तिलिया अर्थात सलाखे, पुलकित अर्थात कोमल। इस पद्यांश का अर्थ हमने यह देखा था कि पिंजरे में बंद पक्षियों का जो कहना है वह है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की जो सलाखे हैं उन सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है और पक्षियों के भांति मनुष्य भी परतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता, यह हमें इस पिंजरे में कैद पंछी के द्वारा स्पष्ट रूप से कवि ने बताने का प्रयास किया है। कविता में आगे के पद्यांश हमने देखे हैं वह इस प्रकार से थे, हम बहता जल पीने वाले भूखे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैता से। इस पद्यांश में आए जो कठिन शब्दार्थ हैं वह इस प्रकार से थे, बहता जल अर्थात नदी झरनों का जल, भूखे प्यासे अर्थात बिना कुछ खाए पिए, कटुक अर्थात कड़वी, निम्बोरी अर्थात नीम की वृक्ष का फल, कटोरी अर्थात एक प्रकार का बर्तन। इन पद्यांशों का अर्थ इस प्रकार से है कि पक्षियों का जो कहना है वह है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरिया खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। वास्तव में घूम घूम कर बहता जल पीकर और नीम की निम्बोरिया खाकर ही खुश रहते हैं। इस पद्यांश द्वारा कवि ने हमें यह बताना चाहा है इस पंछी के द्वारा कि पिंजरे में जो कैद पंछी है वह यह बताता है कि इस पिंजरे में कैद रहकर, सोने के पिंजरे में कैद रहकर भी, सोने की कटोरी में अन्न प्राप्त कर भी हम खुश नहीं हैं, इसकी अपेक्षा हम खुले आसमान में रहना चाहते हैं, खुले आसमान में ऊंची उड़ाने भरना चाहते हैं और घूम घूम कर यह जो नदी झरनों का बहता जल जो है वह जल पीना और मैदा की अपेक्षा नीम की जो कड़वी निम्बोरिया है वह खाकर
खुश रहना हमें पसंद है, यह पंछी हमें बता रहा है। और इस पद्यांश के माध्यम से कवि इस कैद में रहने वाले पंछी के माध्यम से हमें यह बताना चाहता है कि इंसान भी जो है वह किसी के बंधन में बंध के नहीं रहना चाहता है, वह स्वतंत्र रहना चाहता है और स्वतंत्रता से वह अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। आगे की जो पंक्तियां थी वह इस प्रकार से थी, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। अब देखिए इस पद्यांश में आए जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से थे, स्वर्ण या श्रृंखला अर्थात सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा यानी कि सुख सुविधाएं, बंधन अर्थात परतंत्रता बांधना, तरु अर्थात पेड़ और फुगनी अर्थात पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा। पक्षी के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो वह उनकी उड़ान उनकी गति भी भूल गए हैं, अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची जो चोटी है उस पर झूल रहे हैं। देखिए इसकी पहली तासिका में हम यहाँ तक पढ़े थे, यह जो पद्यांश है मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। पंछी जो है वह पंछी किसमें कैद है बच्चों? जी हाँ बिल्कुल सही, पंछी पिंजरे में कैद है और पंछी सोने के पिंजरे में कैद है। तो यह जो सोने के पिंजरे में कैद जो पंछी है उस पंछी के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि यह जो सोने का पिंजरा है, इस सोने के पिंजरे की जो सलाखें हैं जो तीलियां हैं वह भी क्या है? सोने से निर्मित है। देखिए सोने का पिंजरा है लेकिन फिर भी यह जो पंछी है, यह पंछी इस सोने के पिंजरे में आनंदी नहीं है, खुश नहीं है और इसका कारण वह यह बताता है कि पिंजरे में रहकर भी हम खुश नहीं है। और पिंजरे में रहकर हम खुश क्यों नहीं है? क्योंकि इस पिंजरे में रहने के कारण हम हमारी जो ऊंची उड़ान है और इस ऊंची उड़ान की जो गति है जो तेज गति है इसको हम क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं। देखिए पंछी हमें यह बताता है कि पिंजरे में कैद होने के कारण उस पर मर्यादा आ गई, उसकी सीमा सीमित हो गई, वह बंधन में हो गया और बंधन में होने के कारण वह खुले आसमान में उड़ नहीं सकता है, उन्मुक्त होकर गगन में विहार नहीं कर सकता है। और अगर वह पिंजरे में कैद है तो वह उड़ ही नहीं सकता है, उड़ नहीं सकता है इस कारणवश यह जो पंछी है वह अपनी जो उड़ान है वह उड़ान ही भूल गया है। पिंजरे की जो मर्यादा होती है वह सीमित होता है और उस सीमित मर्यादा में अगर पंछी उड़ने की कोशिश भी करता है तो वह कब तक उड़ पाएगा या कितना उड़ पाएगा? थोड़ा सा ही उड़ पाएगा। और अधिक उड़ने की अगर कोशिश पंछी करेगा तो वह पिंजरे की जो तीलियां हैं या पिंजरे की जो सलाखें हैं उनसे टकराएगा और उनसे टकरा कर उसके जो कोमल पंख है वह कोमल पंख क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, पंछी घायल होगा, पंछी आहत हो जाएगा। वह
कितना भी प्रयास करे वह पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाएगा और ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा या उड़ नहीं पाएगा। अगर पंछी उड़ नहीं पाएगा तो उसकी जो गति है वह गति अधिक नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए पंछी हमें बताता है कि वह पिंजरे में कैद है, इसलिए वह क्या कर चुका है, अपनी जो उड़ान है और अपनी जो गति है यह दोनों बातें वह क्या कर चुका है, भूल चुका है या वह भूल गया है। बच्चों आप मुझे बताइए कि पंछी क्या भूल गए हैं। बिल्कुल सही, पंछी अपनी उड़ान एवं उसकी जो गति है वह भूल गए हैं। आगे चलकर पंछी उनकी जो व्यथा है वह हमें बता रहे हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है, मैंने आपको पिछली तासिका में भी बताया था, ठीक उसी प्रकार यह जो पंछी हैं, इन पंछियों का भी एक सपना है और उनका सपना बहुत ही सीधा छोटा है। और उनका सपना यह है कि यह जो जिस पेड़ की डाली पर वह बैठते हैं, जहां उनका घोंसला है, जिस पेड़ के इर्द गिर्द वह घूमते रहते हैं, ऊंची उड़ान नहीं भरते रहते हैं, उस पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनी है या सबसे ऊंची जो चोटी है उस चोटी पर उन्हें जाना है और वहां जाकर उन्हें क्या करना है, झूला झूलना है। क्या करना है, झूला झूलना है। परंतु उनकी यह जो इच्छा है, उनकी यह जो अपेक्षा है कि वह पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाना चाहते हैं और झूला झूलना चाहते हैं, यह केवल उनके लिए एकमात्र सपना बनकर रह गया। और यह क्यों हो गया बच्चों, बताइए आप मुझे, सोचिए। जी हाँ बिल्कुल सही, कि यह उनका सपना केवल सपना ही रह गया। किस वजह से, क्योंकि यह जो पंछी है वह पंछी सोने के पिंजरे में कैद हुए हैं, वह मुक्त नहीं है। इसीलिए पंछी अपनी उड़ान और गति दोनों भूल गए हैं और उसके साथ ही साथ जो पंछी है वह उनका जो सपना है वह सपना उनके लिए केवल एक सोच ही बन के रह गया कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाना है और वहां पर झूला झूलना है। बच्चों जरा सोचो, अगर उनका यह जो सपना है वह सत्यता में उतारना है, उसे सच बनाना है, तो क्या होना आवश्यक है। बिल्कुल सही कि पिंजरे में जो पंछी है उसे हमें क्या करना है, आजाद करना है। या पिंजरे से जब पंछी आजाद होगा तभी उनका यह जो सपना है वह क्या हो सकता है, सच हो सकता है। परंतु यहां पर यह संभव है क्या, नहीं। क्यों संभव नहीं है बच्चों? जी हाँ, क्योंकि यहाँ का जो पंछी है वह पिंजरे में कैद है। आगे के जो पद्यांश है वह कुछ इस प्रकार से हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पुनः एक बार मैं ये पंक्तियां सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में यह जो कठिन शब्दार्थ है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ उसे पेंसिल से अधोरेखांकित कीजिए और उनके कठिन शब्दों के अर्थ उसके आगे लिखिए। पहला है अरमान अर्थात इच्छा, दूसरा है नभ अर्थात आसमान, तीसरा है सीमा अर्थात हद, चौथा है तारक अनार अर्थात तारे रूपी अनार के दाने। बच्चों मैं पुनः एक बार कठिन शब्दों के अर्थ दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है अरमान अर्थात इच्छा, दूसरा है नभ अर्थात आसमान, तीसरा है सीमा अर्थात हद, चौथा है तारक अनार अर्थात तारे रूपी अनार के दाने। इस
पद्यांश का अर्थ इस प्रकार से है, पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू ले, वह अपनी लाल किरणों से चोंच से अनार के दाने रूपी आसमान के तारों को चुग ले। देखिए उनकी कितनी अच्छी और कितनी प्यारी इच्छा है। पंछी जो है वह पिंजरे में बंद है, परंतु उनकी जो इच्छा है वह हमें बता रहे हैं। वह कहते हैं कि वह क्या करना चाहते हैं, यह जो नीला आसमान है उस नीले आसमान में, नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं, और उड़ते उड़ते यह जो आकाश की सीमा है, सीमा को वह क्या करना चाहते हैं, छू लेना चाहते हैं। उनकी जो लाल किरणों सी चोच है, उनकी जो लाल किरणों सी चोच है, उस चोच से अनार के दाने रूपी आसमान के जो तारे हैं, उन तारों को वह क्या करना चाहते हैं, चुगना चाहते हैं या चुग लेना चाहते हैं। देखिए इनकी छोटी सी इच्छा है, परंतु यह छोटी सी इच्छा भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। और क्यों नहीं पूर्ण हो पा रही है, क्योंकि यह जो पंछी है वह पंछी कहाँ कैद है, पिंजरे में कैद है। खुले आसमान में वह विहार कर रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं, नहीं, वह कहाँ कैद है, पिंजरे में। और जो पिंजरे में बंद है, जो पिंजरे में कैद पंछी है, उसकी व्यथा जो है वह अत्यंत दुख भरी है। उसकी जो इच्छाएं हैं वह इच्छाएं अत्यंत छोटी छोटी हैं, परंतु वह भी वह पूरा नहीं कर पा रहा है। अगली जो पद्यांश है वह कुछ इस प्रकार से है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यह जो पद्यांश है बच्चों, मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इस पद्यांश में आए जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देखिए, पेंसिल से आप उसे अधोरेखांकित कीजिए और उनके अर्थ लिखने की कोशिश कीजिए। कठिन शब्दों के अर्थ जो पहला है वह है सीमाहीन, अर्थात जिसकी सीमा नहीं, असीम। दूसरा है क्षितिज, अर्थात जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा होड़ा होड़ी, अर्थात एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। चौथा है तनती सांसें, अर्थात प्राणांत के समय टूटती सांसें। बच्चों इन कठिन शब्दों के अर्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। पहला जो है वह है सीमाहीन, अर्थात जिसकी सीमा नहीं, असीम। दूसरा है क्षितिज, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा है होड़ा होड़ी, अर्थात एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। चौथा है तनती सांसें, अर्थात प्राणांत के
समय टूटती सांसें। अभी हमने जो पद्यांश देखा उस पद्यांश का स्पष्टीकरण इस प्रकार से है, यह जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में एक प्रकार होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज यानी कि जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको पा जाते हैं या अपने प्राण गंवा देते हैं। देखिए पंछी जो हैं उनमें कितनी जिद है, देखिए अपने लक्ष्य के ओर बढ़ने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, परिणाम की अपेक्षा वह नहीं करते हैं। क्या परिणाम क्या होगा इसके बारे में वह नहीं सोचते हैं। यह जो पद्यांश है इस पद्यांश में यह बताया गया है कि जो पंछी है वह पंछी कहना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार से होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वह क्षितिज को प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो वह क्या करना चाहते हैं, अपने प्राण गंवा देना चाहते हैं। देखिए अगर मन में जबरदस्त इच्छा शक्ति हो, असफलता या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अगर जिद हमने ठान ली है तो कठिन से कठिन कार्य भी हमारे लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल आसान लग जाता है। अब देखिए यह जो पंछी हैं, इन पंछियों की इच्छा क्या है कि वह आसमान में ऊंची उड़ाने भरे, और ऊंची उड़ान भरने के लिए वह क्या करना चाहते हैं, गतिपूर्वक उड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, गतिपूर्वक उड़ना चाहते हैं। यह जो पंछी हैं उनकी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा यह है कि वह यह जो आसमान है, जो नीला आसमान है, उस नीले आसमान की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को छूना चाहते हैं, उस नीले आसमान को छूना चाहते हैं, और इस कार्य के लिए वह कुछ भी करना चाहते हैं, वह अपनी भूख प्यास भूलकर उड़ना चाहते हैं, अधिक वेगवानता से अधिक गति से वह क्या करना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं। और यह करते समय उनके पंखों में इस प्रकार से होड़ा होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते वह यह करना चाहते हैं कि वह क्षितिज को पा लेना चाहते हैं। होड़ा होड़ लग जाना यानी कि क्या है, उसका अर्थ क्या है बच्चों बताइए। जी हाँ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। अब देखिए यह जो पंछी है इनके मन में जो इच्छा है कि आसमान को छूने की इच्छा है, और इसीलिए वह क्या कर रहे हैं, अपनी ऊंची उड़ान भर रहे हैं, गति पूर्वकता से वह उड़ रहे हैं, और यह सब करते समय उनमें होड़ा होड़ लग जाती है, वह एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़कर सबसे पहले आसमान को छू लेना चाहते हैं। ऐसी होड़ा होड़ कहाँ होती है आप जरा सोचिए। जी हाँ बिल्कुल सही कहा कि आपकी कक्षा में ऐसी होड़ा होड़ आप बच्चों में लग जाती है। जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो आप में ऐसी होड़ा होड़ लग जाती है कि उससे ज्यादा अंक मुझे प्राप्त होंगे और उससे पहले आगे बढ़ूंगा, मेरा प्रथम क्रमांक आएगा कक्षा में। सही कहा ना मैंने, और उस प्रथम क्रमांक को प्राप्त करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, पाठ्य पुस्तक पढ़ते हो, आपको अध्यापक जो है आपके या अध्यापिका जो है वह आपको जो भी लेखन देती है उस लेखन को आप बार 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 पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वह जो प्रश्नाभ्यास है वह प्रश्न अभ्यास आपको याद हो जाए। और ये सारी मेहनत आप किस लिए करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको सफलता प्राप्त करनी है। अब ऐसी ही सफलता प्राप्त करनी है, जैसे कि आपको सफलता क्या प्राप्त करनी है,
परीक्षा में आपको आगे बढ़ना है, आपके जो कक्षा में पढ़ने वाले आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनसे आप होड़ा होड़ी करते हैं कि उससे भी ज़्यादा अंक आपको प्राप्त करने हैं और आपको आगे बढ़ना है, आपको कक्षा में प्रथम आना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी कक्षा के सभी छात्रों में ऐसी होड़ा होड़ी लगती है और सभी क्या करना चाहते हैं, कक्षा में प्रथम आना चाहते हैं, और इसीलिए आप सब लोग मेहनत करते हो ना। अब देखिए, जैसे कि अभी लॉकडाउन है, हम पाठशाला पढ़ने नहीं आ रहे, तो आप अभी क्या कर रहे हो, इस ऑनलाइन प्रणाली द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या कर रहे हो कि मेहनत कर रहे हो ना, कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो ध्यान से सुन रहे हो, उसे पेंसिल से जो समझ में नहीं आता वो लिख रहे हो, बाद में आप मुझे फ़ोन करके पूछते हो, क्यों करते हो इतनी सारी मेहनत। बिल्कुल सही, सफलता प्राप्त करने के लिए और कक्षा में प्रथम आने के लिए। तो यह जो पंछी हैं, इन पंछियों में भी ऐसी ही होड़ा होड़ लगी है कि इन्हें क्या करना है, सारे पंछियों को आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, और आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए इनके जो पंख है वह अधिक गति से क्या करने लगते हैं, आसमान की ओर उड़ने लगते हैं। और यहाँ जब उड़ने लगते हैं, ऊंची उड़ान लेते हैं, तो इन दूसरे में जिद लग जाती है, इनमें कॉम्पिटिशन लग जाता है, इनमें इच्छा निर्माण होती है कि सबसे पहले आगे कौन बढ़ेगा। और इस यह जो उनकी इच्छा है, यह जो आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, इससे यह पंछी क्या करते हैं, अपनी जान लगाकर वह क्या करते हैं, आसमान को छूने के लिए प्रयास करते हैं। और यह सब करते समय उनके जो पंख हैं, उन पंखों में क्या लग जाती है, होड़ा होड़ लग जाती है, यानी कि वह क्या करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अपनी जो उड़ान की गति है, उस गति को वह क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और यह सारा करते समय वह क्या सोचते हैं, या वह क्या कहते हैं, पंछी हमें कहते हैं कि उड़ते उड़ते या तो वह क्या करना चाहते हैं, क्षितिज को पा लेना चाहते हैं। क्षितिज यानी कि क्या, जहां पर यह जो हमारी धरती है और जो नीला आसमान है, यह दोनों जहां पर मिले हुए हैं या एक हुए हैं, ऐसा आभास हमें जहां पर होता है, या इन दोनों को एक होते हुए जो रेखा हमें दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है, क्षितिज कहा जाता है। तो यह पंछी कहते हैं कि उड़ते उड़ते या तो यह क्या करना चाहते हैं, क्षितिज को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि यह कहां तक पहुंचना चाहते हैं, जहां पर धरती और आसमान दोनों एक हुए हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, या ऐसा आभास हमें जहां पर होता है, उस स्थान पर यह पंछी क्या करना चाहते हैं, उड़ते उड़ते जाना चाहते हैं, उस सीमा को वह छू लेना चाहते हैं, और वह अपने, नहीं तो वह क्या करना चाहते हैं, अपने प्राण गवा देना चाहते हैं। आगे के पद्यांश देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पुनः एक बार मैं दोहराती हूँ, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, इस पद्यांश में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं वह इस प्रकार से हैं, नीड यानी कि घोंसला, आश्रय अर्थात सहारा, छिन्न भिन्न अर्थात नष्ट भ्रष्ट, आकुल उड़ान अर्थात उड़ने की अधीरता, विघ्न अर्थात बाधा। पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दों के अर्थ दोहराती हूँ, आप पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए और लिख लीजिए, नीड अर्थात घोंसला, आश्रय अर्थात सहारा, छिन्न भिन्न अर्थात नष्ट भ्रष्ट, आकुल उड़ान अर्थात उड़ने की अधीरता, विघ्न अर्थात बाधा। देखिए, यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश में पक्षी जो है, या पक्षियों की जो इच्छा है वह है कि चाहे उन्हें रहने के लिए आप घोंसला मत दो, टहनी जो है, जिस टहनी का आश्रय लेकर वह रहते हैं, वह जो टहनी है वह भी आप क्या कर लो, निकाल लो। लेकिन वह आगे चलकर क्या कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें जो पंख दिए हैं, जिन पंखों के सहारे वह क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो ईश्वर ने पंख दिए हैं तो उनकी जो उड़ान है, उस उड़ान
उद्यान में बाधा मत डालो, ऐसे पंछी हमें कहते हैं। पंछी कहते हैं कि हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। देखिए पंछियों की यह जो इच्छा है वह कितनी छोटी है, वह अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। वह कहते हैं कि आपने हमारा जो भी है वह ले लीजिए, जैसे कि आप हमें घोंसला मत दीजिए, हमारी टहनी का सहारा आप ले लीजिए, परंतु आप हम जब जो सुंदर सुंदर पंख हमें ईश्वर ने दिए हैं, उन पंखों से जो ऊंची उड़ान हम भरते हैं, उसमें आप विघ्न मत डालो या बाधा मत डालो, हमें क्या करो, आप स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। यहाँ पर हमारा यह पाठ क्रमांक पहला जो है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।